ये परावर्तित किरण हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये कोण भी 40 अंश ही होगा। कितना होगा? 40 अंश ही होगा। यानी आपने देखा क्या, इंसिडेंट रे कमिंग एट द पोल, आपतित किरण जो कि ध्रुव पर आकर के पड़ती है, रिफ्लेक्ट्स ये परावर्तित होती है इन सच वे, इस ढंग से, इस प्रकार से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विद प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई अक्षर से बस, विद प्रिंसिपल एक्सिस यही है आई, आई बराबर है 40 अंश, तो ये अपवर्तित परावर्तित किरण ये आर बराबर होगा, ये भी 40 अंश होगा। आई विद दी प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इस तरह से परावर्तित होगी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये रहे चार नियम आपके, लिख लीजिए। क्या है? ध्रुव पर आपतित के किरण, ध्रुव पर आपतित किरण किरण मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई, समान कोण बनाती हुई इस प्रकार परावर्तित होती है, इस प्रकार परावर्तित होती है, परावर्तित होती है कि आपतन कोण बराबर, आपतन कोण आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर। चाहते हैं।